पहुंचे हम लोग होलोंगी का 6 किलो में, और देखिए हर तरह का धंधा है। और 6 किलो में यहाँ पर मेरे सामने ही झरना जो नेचुरल पानी आ रहा है यहाँ पे स्प्रिंग वाटर है, यहाँ पर हम लोग हमेशा आते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, मैं दिखाता आज हम यहाँ पर किस तरह नहाएंगे, साफ सुथरा करेंगे गाड़ी का और मस्ती करेंगे। यहाँ पर सिर्फ लोग ही नहीं, यहाँ पर देखिए आगे मिथुन भी है, बहुत सारा मिथुन आज यहाँ पर जमा है। आई दोनों लोगों को भी अच्छा लगता होगा आने के लिए, तो दिखाता हूँ आपको झरना का सीन। यहाँ पर आज मेरे साथ आए हैं मनु भाई, साजन और उधर सानू, और यहाँ पर खड़ा है हमारा काबा भाई जो कि बहुत अलग तलग से खड़ा रहता है हमेशा। ये है वो सीन, और वहाँ पर है पानी जो आ रहा है नीचे, बहुत ही साफ सुथरा पानी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा साथ और बहुत सारे लोग हैं जो ईटानगर से आए हैं, यहाँ पर गाड़ी वाड़ी धुला रहे हैं, नहा रहे हैं, और वहाँ जो दो बंदा है वो तो आसाम से है, ब्लॉगिंग करता है। हाँ वो भी ब्लॉगिंग करता है बोल रहे हैं, तो यहाँ पे सब ब्लॉगर ही लगता है। ठीक है ठीक है, श्योर। और ये देखिए मुन्ना भाई और आज काबा भाई जो दोनों बहुत इंटरेस्टेड है गाड़ी धुलाने में। दरवाजा बराबर खुला खुली करते मत रहना, पानी भी जाएगा ना, ऊपर पानी गिर रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ऐसा कुछ नजारा है, हम यहाँ पर आते हैं, साबुन अबुन लगाते हैं, नहाते हैं, यहाँ पर बहुत ही मजा लग रहा है भाई। जो मेरा वीडियो देख रहा है अगर ईटानगर में है आप तो यहाँ पर आइएगा, 6 किलो होलोंगी में यहाँ पर झरना है, आके मुफ्त में नहाइएगा, मुफ्त में गाड़ी और अपना धो लीजिएगा। पागल ऐसे मारो ना धीरे धीरे करके, क्या क्या नहीं मारा है ना पानी, बाल्टी कहाँ गया? दो आप मार देगा नहा, जो पानी मार रहा था उसको ही पूरा नहा दिया। ये दीदी का दुकान में आया, यहाँ पर हम लोग खाएंगे चोर धुपा मोमो, पता नहीं क्या क्या चोज है, और ये देखो सब टेबल पे भी यहाँ बैठ रहे हैं, और वो आ गए हमारा एक पॉइंट। और यहाँ से हल्का फुल्का खाना वाना खा के हम लोग जाएंगे सीधा एयरपोर्ट की तरफ, एयरपोर्ट के अंदर नहीं लेकिन वहाँ का रास्ता का जो वो सीन है आपको दिखाएंगे, बहुत ही सुंदर है।